हेलो दोस्तों, टिकटॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस बार मैं लाया हूं आसूस के 40,000 से नीचे के रेंज के सबसे बेस्ट लैपटॉप। अगर आप आसूस के लैपटॉप लेने जा रहे हैं, आपका बजट 40,000 तक का है, तो इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा आसूस के इस रेंज के सबसे बेस्ट लैपटॉप के बारे में। आसूस तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इंडिया में लैपटॉप सेल करती है। पहले नंबर पर HP है, दूसरे नंबर पर डेल है और तीसरे नंबर पर आसूस है। तो शुरू करते हैं इस टिकटॉक और देखते हैं उन लैपटॉप्स को। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, आसूस के बहुत सारे लैपटॉप्स 40,000 से नीचे की रेंज में उपलब्ध हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक लैपटॉप सेलेक्ट किया है इन सभी लैपटॉप से, क्योंकि इस लैपटॉप की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अच्छी है और भी लैपटॉप अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अगर उनको रिकमेंड कर देता हूँ तो जो परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगी जो कि इस लैपटॉप में मिलेगी जिसे मैं अभी आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ। ये सिंगल लैपटॉप है और लैपटॉप मैं चाह कर भी नहीं इंक्लूड कर पाया क्योंकि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप ले भी लेंगे तो आपको शिकायत रहेगी उनके परफॉर्मेंस से। लेकिन ये जो लैपटॉप मैं बताने जा रहा हूँ आसूस का 40,000 से नीचे की रेंज का, ये आप अगर लेते हैं तो आपको इसके परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आसूस का 40,000 से नीचे की रेंज में ये जो सिंगल लैपटॉप है, इसका नाम है आसूस वीवो बुक और जो मॉडल कोड इसके साथ एसोसिएटेड है वो है X515JA-EJ321T। तो दोस्तों, ये जो लैपटॉप है ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसमें जो लगा हुआ है वो इंटेल का i3 प्रोसेसर है 10th जनरेशन। इसमें आपको 8 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव मिलेगी, 8 GB रैम मिलेगा, विंडोज 10 OS मिलेगा और जो डिस्प्ले इसके साथ मिलेगा वो 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले रहेगा। दोस्तों, इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस जो है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो यूज़र्स रिव्यू मिले हैं ऑनलाइन वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।